सांसद खेल महाकुंभ पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन कांग्रेस बताया है, क्योंकि चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मुद्दा नहीं होने से अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि खेल महाकुंभ से खेलों को बढ़ावा मिला है और इस आयोजन से प्रदेश के 30,000 युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। सांसद खेल महाकुंभ पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन कांग्रेस बताया है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मुद्दा नहीं होने से अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि खेल महाकुंभ से खेलों को बढ़ावा मिला है और इस आयोजन से प्रदेश के 30,000 युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। शर्मा ने कहा कि खेल महाकुंभ के सफल आयोजन के चलते ही कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर का प्रयास खेल महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को नशों से दूर रहकर खेलों में रुचि दिलाना था, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलने की वजह से फिजूल के मामलों को लेकर बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में इसकी प्रशंसा होने पर कांग्रेस को खेल महाकुंभ से पेट में दर्द हो रहा है। इस चुनाव में मुद्दा कोई नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस ऐसे हाथ पैर मार रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। खेल महाकुंभ एक ऐसा कार्य है जिसकी शुरुआत अनुराग जी ने की और अब पूरे देश में ये अपने आप में एक अनूठा आयोजन रहा और इस आयोजन में प्रदेश के लगभग 30,000 से ज़्यादा नौजवानों ने भाग लिया और सैकड़ों टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारा इसमें जो अनुराग जी का इसमें जो मोटिव था करने का कि नौजवानों को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाए ताकि वो नशे से हटें, ताकि वो और उरे परे के काम न करें, खेल के प्रति जुड़ करके एक अनुशासन की भावना उनमें आए और एक देश के प्रति प्रेम की भावना उनमें जागे और कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो नौजवानों के अच्छे स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक उसको लेकर के ये एक बहुत बढ़िया आयोजन और पूरे देश ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रशंसा हुई और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा क्यों रही है, यही कांग्रेसियों की पेट दर्द का कारण है। प्रवीण शर्मा ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर 26 अप्रैल को हमीरपुर में नामांकन पत्र भरेंगे और इससे पहले गांधी चौक पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश के आला नेता शिरकत करेंगे। 26 को नॉमिनेशन होगा गांधी चौक में, नॉमिनेशन से पहले एक सभा होगी और उस सभा में प्रदेश के सभी नेता भाग लेंगे ऐसा अभी तक है। मुख्यमंत्री जी भी उसमें आएंगे और एक भव्य कार्यक्रम हो करके और नॉमिनेशन फाइल की जाएगी। निजी स्कूल संघ महामंत्री राजेश ठाकुर